ग्रीन मॉर्निंग किसान भाइयों, आज हम बिहारिया गांव में खड़े हैं, यहाँ के सरपंच महोदय के खेत में। तो इन्होंने ग्रीन प्लैनेट मिशन के जो प्रोडक्ट हैं, ग्रीन प्लैनेट मिशन बायो प्रोडक्ट, उसका अपनी खेती में उपयोग किया है। विषमुक्त कृषि की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने अपने एक बीघे में लहसुन लगाई है, तुलसी वेराइटी में। तो सरपंच साहब, आपने क्या, मैं जो बोल रहा हूँ ये हकीकत है कि आपने पूरा विषमुक्त कृषि की ओर आगे बढ़ने का प्रयास रहा आपका धीरे धीरे? हमारा पूरा प्रयास ये रहा, और सबसे बड़ी एक बात इसमें ये रही कि जो प्रोजेक्ट देने आए थे आप शर्मा जी, आपने गारंटी दे दी थी कि मैं एक बीघे की फसल का मुआवजा दूँ। हाँ, उस भरोसे पे हमने इसका उपयोग किया और आप खड़े उतरे उस चीज़ के ऊपर। जी, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल लाभदायक है और इससे उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। मतलब किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो ग्रीन प्लैनेट मिशन है, हम लोग कहीं जैविक कंपनीज इनके चक्कर में कहीं ना कहीं किसान नुकसान उठाता है, वो नहीं देखता उसके सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेशन। वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट डाल लेता है जैविक के नाम पे, फिर वो नुकसान उठाता है। तो उसको लगता है कि यार कहीं ना कहीं नुकसान जा रहा है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। सरपंच साहब ने भी ये चीज़ें पहले नोट की कहीं ना कहीं कि नहीं यार, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो इन्होंने इसका उपयोग किया और आज ये संतुष्ट हैं इससे कहीं ना कहीं। तो कुछ लहसुन उखाड़ के भी आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ की कि क्या स्थिति है। आप लोग इसमें से कुछ लहसुन निकालें। ये इनकी लहसुन की कंडीशन है अभी, वो भी दे दो। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनके यहाँ की लहसुन का प्रोडक्शन है। मतलब आपको दिख जाएगी ऐसी लहसुन, कुछ ही कुछ मिलेगी आपको। लगभग लगभग लहसुन आप देख लो एक साइज़ में है, और ये भी लगभग अगर आप डालोगे एक कट्टी में तो सेम साइज़ में ही बिकने वाली है। मतलब छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर लहसुन की साइज़ बनने में, मतलब यूनिफॉर्म में फसल बन रही है आपकी। सबसे बड़ी खासियत ये है। फिर केमिकल में स्प्रे पूरा आपका फ्री हो जाना है। मतलब स्प्रे में आपको केमिकल में कुछ भी नहीं डालना है, सब ग्रीन प्लैनेट मिशन का ही डालना है, पूरा ऑर्गेनिक डालना है, पूरा आपको सर्टिफाइड प्रोडक्ट डालना है। यानी कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है बॉडी पे, कोई ज़मीन को आपको नुकसान नहीं हो रहा, और धीरे धीरे इसके साथ चलते चलते आप ऑर्गेनिक पूरा अपना खेत कर सकते हो और सर्टिफिकेशन भी 2 से 3 साल में करवा सकते हो, यानी कि फ़ायदे में है। अब सरपंच साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने इस बार खेती तो कर ली, अब आप हम लोगों को और मेरा कम और ग्रीन प्लैनेट मिशन का क्या सपोर्ट करना चाहोगे, किसानों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आपकी, क्या होना चाहिए? मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि खेती को केमिकल से दूर रखिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन इनकी है ये बढ़िया काम कर रही है, खेत में उपजाऊ शक्ति भी बढ़ा रही है और फसल भी अच्छी आ रही है। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि ये प्रोजेक्ट देखने के बाद आप इसको यूज ज़रूर करें, जिससे आपको फ़ायदा मिले। हाँ, चाहे एक बीघे से शुरुआत करें आप, चाहे एक बीघे से करें। मैंने भी एक बीघे से शुरुआत करी, खर्च बहुत कम आया और लाभ अच्छा मिल रहा है। तो इस बीघे की अगली बार के लिए क्या प्लानिंग करा आपने? अब कितने बीघे में करने वाले हैं? अब मैं 2 या 3 बीघे में करूँगा। अब 2 या 3, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि किसान धीरे धीरे आगे बढ़े, संतुष्टि हो जाए, इनके यहाँ संतुष्टि हो गई। जो भी आसपास के किसान हैं, बिहारिया के सरपंच साहब हैं, वर्तमान में सरपंच है, यहाँ पे आकर इनसे बाकायदा मिल सकते हैं आप लोग। इनके खेत में एक बीघे में जो लहसुन लगी है, रोड से थोड़ी अंदर है, बिहारिया गांव से बाहर, आप लोग आके खेत देख सकते हैं। अभी 2-4-8 दिन के अंदर अंदर लहसुन निकलने के बाद इनका देख सकते हैं। और सरपंच साहब, एक नई चीज़ कुछ आप दिखाने की बात कर रहे थे, कुछ और आपको पास में पड़ोसी के खेत में कुछ देखने को मिली, वो क्या चीज़? मेरे पड़ोस में भी मेरे बड़े भाई साहब की लहसुन लगी हुई है, और वो देसी लहसुन है, लेकिन एक सरी जो हमारी लहसुन से सटी हुई है बिल्कुल पास में, उस सरी में लहसुन जैसी हमारी ये जो प्रोजेक्ट उपयोग करा ऐसी ही निकली उसमें, बाकी में वो छोटी है। चलो वो भी हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं किसान भाइयों। आप लोग ये देख सकते हैं, ये खेत सटा हुआ है इधर जहाँ पे स्प्रे हुआ था ग्रीन प्लैनेट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे स्प्रे जब इन लोगों ने किया तो यहाँ के माहौल इधर बना, ज़मीन से थोड़ा बहुत रिसाव हुआ, और जो भी कुल मिला के प्रोसेस हुआ एटमॉस्फेयर के कारण, इधर की लहसुन आप देख सकते हो इसमें बड़ापन दिख रहा है। और अगर इसकी बजाय इधर नज़र डालोगे, मतलब एक दो पाली तक इसका पूरा 1-2 सरी तक इफेक्ट है,
उसके बाद थोड़ा और आगे अगर आप लोग चले जाए तो आप देख सकते हो क्या कंडीशन है लहसुन की। छोटी छोटी लहसुन है, मतलब जो पूरे खेत की यही स्थिति है। बाकी एक दो पाली अगर इधर देखी जाए तो कहीं ना कहीं वातावरण से इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया तो आप सोच सकते हो कि क्या नहीं हो सकता है। तो आप लोग अगर चाहें तो सरपंच साहब से मिल सकते हैं। मेरा नंबर है 7468802555। आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। दूसरी चीज़, आप सरपंच साहब का नंबर भी ले सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर दे दें इनको। 9993196646। एक बार और रिपीट कर दें, 9993196646। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार की वीडियो के साथ अभी प्याज में हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को डलवाया है। कुछ किसान अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं अभी प्याज में या कोई सी फसल में तो भी हो सकते हैं। प्याज में हम लोग अभी इसका यूज़ करवा रहे हैं और आने वाली फसल हम लोग कुछ ऐसा प्लानिंग भी चल रहा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को निकाल के हम खुद ही सेल करें और किसानों को आगे धीरे धीरे अपने हिसाब से फसलें लगवाएं, क्योंकि सोयाबीन में कुछ बचता तो है नहीं, तो उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। शुक्रिया।